नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे GDP और GNP के बीच के अंतर को। किसके बीच के अंतर को जानेंगे? GDP और GNP के बीच के अंतर को जानेंगे। GDP के बारे में यहां कुछ लिख करके पहले रखे हैं, यहाँ पर परिभाषा है, फिर फार्मूला है, इधर GNP का परिभाषा है और फिर GNP का फार्मूला है। लेकिन GDP और GNP का जो भी फार्मूला है, उस फार्मूला को जानने से पहले या उसके परिभाषा को जानने से पहले आप लोग को GDP का फुल फॉर्म जो होता है और GNP का जो फुल फॉर्म होता है वो जानना चाहिए। जैसे GDP, इसको आप लोग को लिखना नहीं है, केवल बता रहे हैं कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और GNP की बात करेंगे तो इसका होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल नेशनल का राष्ट्रीय उत्पाद। मैंने यहां पर फुल फॉर्म क्यों लिखा, इसके पीछे कारण है। जब तक आप इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे तब तक इतने परिभाषा को और फॉर्मूला को याद रखना और करना ये एक तरह से बेईमानी होगा। GDP का मतलब पहले समझिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर डोमेस्टिक, ग्रॉस मतलब तो सकल होता है यानी टोटल कुल, लेकिन यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और यहां पर क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है, यानी घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। इस चीज को समझिए, जैसे कोई भी देश है, मान लेते हैं इंडिया का ले लीजिए कि ये इंडिया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, इस प्रकार का कोई देश नहीं है, इंडिया भी नहीं है, तो मान लेते हैं इंडिया इस प्रकार का है, मान के चल रहे हैं। और इंडिया ये है तो इंडिया का ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री, इसके अंदर जो भी वस्तु का उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा, घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घरेलू उत्पाद कहलाएगा। लेकिन इंडिया के बाहर भी मान लेते ये देश है, ये देश है, तो यहां पर भी प्रोडक्शन होता है। यहां का जो भी प्रोडक्शन होगा, इधर ये सब देश ले लीजिए, चीन है, जापान है, इन सब के प्रोडक्शन को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये मान लेते हैं इंडिया है, तो इंडिया के GDP में हम ये सब चीन का या जापान का हम प्रोडक्शन नहीं शामिल करेंगे। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया का GDP है, और बाहर जो ये चीन का के अंदर जो हो रहा है वो चीन का GDP है, जो जापान के अंदर हो रहा है वो जापान का GDP है। लेकिन जब हम GNP की बात करें, किसका, इंडिया का GNP, किसका बात करें, इंडिया का GNP, ठीक है। तो इस इंडिया के GNP की बात जब करेंगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर इंडियन के द्वारा, इंडिया के लोग इंडिया के अंदर भी और इंडिया के लोग इंडिया के बाहर भी जो भी सामान का उत्पादन कर रहा है वो आएगा GNP में। तो मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो उत्पादन हुआ है वो 30 रुपये का हुआ है और इंडिया के बाहर इंडिया के लोग 2 रुपये का उत्पादन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि GNP में होना चाहिए 30 और 2, कितना, 32, यानी कि GNP हो जाएगा 32। लेकिन GDP इंडिया के अंदर कितना हुआ है, 30 हुआ है, तो इसका मतलब हमारा GDP कितना होगा, 30 होगा। लेकिन इंडिया के आदमी बाहर से 2 रुपया अगर कमा के लाया है तो 2 रुपया इसमें शामिल होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर केवल बताना चाह रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा एक और ढंग से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं परिभाषा में कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम, इस लाइन, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को GDP कहते हैं। अब देश के अंदर मान लेते हैं एक ही वस्तु का उत्पादन होता है, वो एक्स वस्तु है। कौन सा वस्तु है? एक्स है। और उसका मूल्य कितना है? 30 है। तो देश का GDP कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। इसको ऐसे भी देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एक ले लीजिए कपास, क्या ले लीजिए, कपास, कपास से क्या बनेगा, धागा,
धागा से क्या बनता है, कपड़ा, ठीक है। अब हम कहें यहां पर कि कपास जो बना है वो किसके द्वारा बना है, तो किसी किसान के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है, किसान के द्वारा। धागा जो बना है वो किसके द्वारा बना है, ये फैक्ट्री में बना है। ये किस में बना है, फैक्ट्री में। कपड़ा भी कहां बना है, फैक्ट्री में बना है, फैक्ट्री कहो या इंडस्ट्री कहो। और अब कहोगे कि फैक्ट्री में जब कपड़ा बना तो क्या फैक्ट्री से डायरेक्ट हम खरीद लेते हैं, नहीं। ये कपास को किसान ने उत्पादन किया और फैक्ट्री वाला खरीदा, फिर धागा को, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कपास को किसने खरीदा, किसान से, तो फैक्ट्री वाला खरीदा और वो बना दिया क्या, धागा। और धागा को फिर फैक्ट्री वाला ही खरीदता है तो वो बनाता है क्या, कपड़ा। और कपड़े को अब कौन खरीदेगा, कोई होलसेलर खरीदेगा। कौन खरीदेगा, कोई होलसेलर खरीदेगा। तो होलसेलर जब खरीदेगा कपड़े को तो वो कुछ नहीं बनाएगा, वो कपड़ा का कपड़ा ही रहेगा। अब इस कपड़े को फिर एक और कोई आदमी खरीदेगा, उसको हम कहेंगे रिटेलर। क्या कहेंगे, रिटेलर। रिटेलर खरीदेगा, तो रिटेलर जो खरीदेगा तो यहां पर भी कपड़ा का कपड़ा ही रहेगा, यानी यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं आया। तो हम क्या पा रहे हैं कि कपास से यहां कपड़ा तक जो पहुंचा है तो ये कपास का भी कुछ मूल्य होगा, कपास से धागा बना तो इसका कुछ और मूल्य बढ़ा होगा, धागा से फिर कपड़ा बना तो कुछ और मूल्य बढ़ा होगा, फिर कपड़ा से कपड़ा भले रह गया लेकिन होलसेलर ने फैक्ट्री पर जिस रेट से उठाया होलसेलर उसी रेट पर आगे नहीं बेचेगा, ये भी कुछ कमाएगा, यानी यहां भी कुछ रेट बढ़ेगा। होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा तो वो भी कुछ अधिक रेट पर बेचेगा, यानी यहां भी रेट बढ़ेगा। तो मान लेते कपास का रेट था 10 रुपये, जितने कपास का धागा बना अब उसका थोड़ा कुछ वैल्यू बढ़ेगा, मानते 15 हो गया। जितने धागे से कपड़ा बना उसका फिर और कुछ वैल्यू बढ़ेगा, 20 हो जाएगा। फिर इस कपड़े से कपड़ा ही रहा लेकिन फैक्ट्री से 20 रुपया में निकल रहा है, होलसेलर वाले 20 रुपया में खरीद रहा है, तो वो होलसेलर वाले 20 रुपया में नहीं बेचेगा, उससे अधिक रेट में बेचेगा, मानते ये 25 हो गया। अब रिटेलर इसको खरीद रहा है कितने में, 25 में, तो वो कितना में बेचेगा, क्या 25 में ही बेचेगा, नहीं वो 30 में बेचेगा। तो हम यहां पर ये देख क्या रहे हैं कि अंत में जो वस्तु आया है वो तो है कपड़ा ही है लेकिन उसका मूल्य कितना है, 30 है, इसलिए जीडीपी में कितना शामिल होगा, 30 शामिल होगा। अब इतना जो बना है, यहां पर भी उत्पादन हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, या इधर भी लोग जो एक्टिव है कुछ कर रहे हैं, तो वो इंडिया का आदमी करे या इंडिया के बाहर का आदमी करे, इंडिया के अंदर हुआ है हमको कौन कर रहा है, इंडियन कर रहा है या फॉरेनर कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया के बाउंड्री में इतना प्रोडक्शन हुआ 30 रुपये का, इसलिए 30 रुपया किस में शामिल होगा, जीडीपी में शामिल होगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुल मूल्य माइनस मध्यवर्ती मूल्य, किसका, जीडीपी का। तो कुल मूल्य का मतलब है हुआ क्या, 10, 15, 25 टोटल, यहां से लेकर के यहां तक के सबके मूल्य को जोड़िए, वो कुल मूल्य होगा। तो 10 और 15 कितना, 25 और 20 45 और 25 कितना, 70 और 30 कितना, 100, यानी कुल मूल्य कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। और मध्यवर्ती मूल्य को माइनस करना है, तो मध्यवर्ती मूल्य यानी अंतिम मूल्य को छोड़कर के सब मध्यवर्ती मूल्य होता है, तो 10, 15, 25 और 20, 45 और 25 कितना हुआ, 70, ये मध्यवर्ती मूल्य हुआ। अब 100 में 70 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 30, तो यही देश का क्या हो गया, जीडीपी हो गया। कोई दिक्कत, ये देश का जीडीपी हो गया। अब हम इधर अगर आए जीएनपी में, जीडीपी प्लस एनएफआई ए, तो देश के अंदर जो हुआ वो 30 है, आप लिख दो यहां पर 30, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, 30 हो गया जीडीपी प्लस एनएफआईए। ये एनएफआईए क्या है, तो मान लेते हैं कि ये जो आपका एक देश है जापान, इसी तरह और भी देश के साथ होगा, हम केवल एक देश के एग्जांपल से काम चला लेते हैं, या इसको हम फॉरेन कर देते हैं कि फॉरेन हो गया। आप फॉरेन से कुछ इधर आएगा, कुछ फॉरेन जाएगा, कैसे जाएगा, अगर इंडिया का आदमी फॉरेन में कुछ सामान बना रहा है तो जरूर इंडिया के आदमी को कुछ इनकम होगा, तो जो इनकम होगा वो इधर आएगा, इंडिया आएगा। और यदि
फॉरेन का आदमी इंडिया से कुछ कमा के जा रहा है, यानी इंडिया के जीडीपी में फॉरेन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो वो ले जाएगा, तो उसका माइनस कर देना है, यानी ले जाने वाला तीन है, पांच आ रहा है, तीन जा रहा है, इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, एनएफआईए कहेंगे। क्या कहेंगे? एनएफआईए कहेंगे। तो ये पांच आया, तीन गया, डिफरेंस कितना का है? दो का है, ये एनएफआईए है, इसी दो को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना निकल जाएगा जी, 32, ये जीएनपी हो गया। बताइए कोई दिक्कत? इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ, कोई भी करे, देसी विदेशी, उससे कोई मतलब नहीं है, देश के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ वो जीडीपी है। लेकिन जीएनपी में जब जाएंगे तब हम क्या करेंगे, जीडीपी में बाहर से जो शुद्ध आया वो जोड़ना है, तो बाहर से शुद्ध कितना रहा है, दो, तो इसका मतलब है कि ये दो जीडीपी में जुट जाएगा, ये 32 होगा। अब यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर एक चीज और कीजिए, ये जीएनपी का मतलब एक तरह से राष्ट्रीय आय है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहिए या राष्ट्रीय आय कहिए, ये जो लिखा हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट की जगह आप आय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्पाद की जगह आय भी लिख सकते हैं, सकल राष्ट्रीय आय, बस ये प्रोडक्ट है, तो यहां पर इनकम आपको कर देना है। तो देश की आय का मतलब है जो देश के लोगों का आय हो, तो देश के लोगों का आय कैसे निकालेंगे, तो ये जो देखिए ये 30 रुपया जो है देश के अंदर जो उत्पादन हुआ, तो उसमें तो 3 रुपया विदेशी कर रहा था, विदेशी 3 रुपया ले जा रहा है, यानी देश वाला यहां पर कितना कर रहा है, 27 ही कर रहा है, और देश वाला बाहर से कितना ला रहा है, 5 ला रहा है, तो 5 जोड़ दीजिएगा कितना आएगा, 32, यानी कि इस हिसाब से भी देखते हैं तो भारत का राष्ट्रीय आय कितना होना चाहिए, इस हिसाब से 32, और ऐसे भी देखते हैं तो कितना होना चाहिए, 32। अब हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इस चीज को अब हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, और आ जाते हैं मेन चीज पर। यह सब आप लोग को लिखना नहीं है, याद भी नहीं करना है, केवल समझाने के लिए बात किया, अब ये सब खत्म हो गया, ये आंसर का पार्ट नहीं है, कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं चलेगा, अब ये सब हट गया, ये 170 ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पार्ट यही है, इतना लिखना है और इतना लिखना है। अब इससे आगे जब बढ़िएगा तो तीसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या लेके चले, यह एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है, क्या है जी, यह एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है, और इस और जब आएंगे तो लिखेंगे यह एक राष्ट्रीय धारणा है, ये क्षेत्रीय घरेलू धारणा है, तो इसका मतलब क्या कि ये भारत का क्षेत्र था, इसके अंदर का केवल बात कर रहा है, इसमें कौन बाहर का कर रहा है, कौन अंदर का कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, केवल एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा हो गया, यानी इस क्षेत्र की बात कर रहा है, और यह राष्ट्रीय धारणा है, इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर का भी बात कर रहा है, देश के बाहर का भी बात कर रहा है। देश के अंदर में क्या लेके चलेंगे, जो इंडिया के आदमी के द्वारा हुआ, भले इंडिया में 30 हुआ था जो जीडीपी में है, लेकिन इंडिया का आदमी ने कितना किया था, 27 किया था, 3 तो बाहर ही कर रहा था, और बाहर में इंडिया का कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो वो जोड़ करके 32 आ गया, तो ये एक राष्ट्रीय धारणा है, तो ये एक क्षेत्रीय धारणा है, और ये क्या है, राष्ट्रीय धारणा है। और एक पॉइंट और इसमें लेके चलेंगे, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है, और इसका क्षेत्र जो होगा विस्तृत होगा, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। क्यों विस्तृत हुआ, क्योंकि देश के अंदर के साथ साथ हम बाहर का भी लेके चल रहे हैं, ये संकुचित क्यों हुआ, केवल देश के अंदर की बात कर रहा है। अब एक चीज जानिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन रहे कि जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी या जीडीपी इक्वल टू जीएनपी,
या जीडीपी लेस देन जीएनपी, और ये ऑप्शन ए बी सी और डी और ऑल रहे, तो कौन सही आंसर होना चाहिए? तो एक चीज देखिए, हम यहां पर देखें क्या देश का जीडीपी कितना है, 30 है। जीएनपी जब देखें तो कितना हो गया, 32। जीएनपी कितना हो गया जी, 32 हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या जीएनपी बड़ा है, जीडीपी क्या है, छोटा है। तो उस हिसाब से तो मेरा क्या आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए, लेकिन गलत भी हो सकता है। कैसे, हम यहां देख रहे हैं 5 आ रहा है, 3 ही जा रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उधर से ही 3 आए इधर से 5 जाए, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि जितना इधर से आए उतना ही उधर जाए, ये भी हो सकता है। तो जिस समय हम ज्यादा लाते हैं और कम ले जा उधर जाता है, यानी हमारे इंडिया के लोग बाहर से ज्यादा लाता है और बाहरी हमसे कम ले जाता है, तो एनएफआई भले ही हमारा प्लस में आ गया 2, लेकिन वही अगर ज्यादा ले जाए ये उल्टा हो जाए तो ये माइनस में चला जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा जीडीपी जो है, यानी जीएनपी जो है, वो जीडीपी से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये वाला स्थिति हो जाएगा, ये वाला। और यदि ये 5 है, इधर भी 5 ही रहे, तो हमारा एनएफआई उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीडीपी जीएनपी से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल होना चाहिए। तो एक चीज ये जानकारी आपको मिली, थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं। देखिए, आपको यदि पूछेगा जीडीपी और जीएनपी में अंतर, तो आप कंफर्म रहे कि आपको इतना ही लिखना है। लिखने का तो बहुत सारा चीज है, हम जीडीपी निकालेंगे तो मार्केट प्राइस पर भी निकाल सकते हैं, जीएनपी को भी मार्केट प्राइस पर निकालेंगे, जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर निकाल सकते हैं, जीएनपी को भी फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे, तो परिभाषा भी अलग हो जाएगा, फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, हमको काम चलाना है, ये 4 पॉइंट काफ़ी है। लेकिन जानकारी के लिए इतना सब चीज़ बताया आपको। एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दें, एक होता है मौद्रिक जीडीपी, क्या होता है मौद्रिक जीडीपी, और एक होता है वास्तविक जीडीपी। ये मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है? तो जैसे मान लेते हैं कि ये 2020 है, एक 2019 ले लीजिए, 2019 और 2020। अब 2019 में 100 समान बना था, ऐसा कर लीजिए P इंटू क्यू यहां कर लीजिए, और यहां P1 इंटू Q1 कर लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कि 2019 में किसी चीज का दाम 10 रुपये था और 100 सामान का उत्पादन हुआ, तो इसका मतलब देश का जीडीपी कितना है, 1000 है, ठीक। और 2020 में क्या हो गया, ये 10 रुपये से इसका रेट बढ़ करके मान लेते हैं 12 रुपये हो गया, कितना हो गया 12, और ये क्यू ही रहने देते हैं, यानी कि क्यू का ये क्यू ही है, यानी कि पहले भी 2019 में भी 100 सामान का उत्पादन हुआ और 2020 में भी 100 सामान का ही उत्पादन हो रहा है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1200, देश का जीडीपी बढ़ गया, 1000 से कितना हो गया 1200 हो गया, लेकिन वास्तविक जीडीपी नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि सामान तो उतना ही है, 100 यहां भी है 100 यहां भी है, केवल मौद्रिक जीडीपी बढ़ा, रियल जीडीपी नहीं बढ़ा। रियल जीडीपी का मतलब है कि जैसे चीज का रेट 10 रुपया था और 100 सामान का प्रोडक्शन हो रहा था, ये 1000 रुपया हुआ, इधर क्या हो जाए, ये 10 का 10 ही रहे लेकिन सामान का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, 100 की जगह 120 हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ये वास्तविक जीडीपी बढ़ा है। यहां भी 1200 है लेकिन ये क्या है, मौद्रिक जीडीपी है, मॉनेटरी जीडीपी है, नॉट रियल जीडीपी, और ये क्या हुआ, रियल जीडीपी हुआ। तो ये जानकारी के लिए दिए हैं, ये सब एग्जाम में लिखने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि
कि जैसे रेट भी थोड़ा बढ़ जाए, ये 10 रुपये से मान लेते हैं 11 रुपये हो जाए, रेट भी थोड़ा बढ़ गया, अब वस्तु का उत्पादन भी बढ़ गया, तो भी ये क्या आएगा, रियल जीडीपी में ही आएगा। लेकिन वस्तु जस का तस रहे, केवल रेट बढ़े, तो वो रियल जीडीपी नहीं हुआ, वो क्या होगा, मॉनिटरी जीडीपी हुआ। तो ये केवल जानकारी के लिए बताए, ये सब अभी आप लोग को करना नहीं है, आप लोग का आंसर केवल इतना है। अगर क्वेश्चन आए जीडीपी और जीएनपी में अंतर स्पष्ट करें, तो आप इतना ही लिखिएगा कि देश के घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष भी जान लीजिए, एक अप्रैल से कितना होता है 31 मार्च, इसके बीच में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या कहलाता है, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का बात कर रहा है, ये वित्तीय वर्ष है। किसी देश की घरेलू सीमा जो बताई, ये देश का घरेलू सीमा है, इसके अंदर जो उत्पादन हुआ 30 रुपया है, वही क्या है, जीडीपी है। और इधर है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में तथा विदेशों से, तो घरेलू सीमा में 30 है, ये जीडीपी है। अब विदेश वाला जो आया कितना आया था जी, 5, गया कितना 3, ये आया ये गया, डिफरेंस कितना हुआ 2, ये एनएफआई है। तो इसी एनएफआई को जीडीपी में जोड़ दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, जीएनपी। तो ये एक पॉइंट हो गया, फॉर्मूला इसका भी कर लीजिएगा, फॉर्मूला इसका भी कर लीजिएगा, दोनों का फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इसका इधर 2 फॉर्मूला दे दिए, ये क्षेत्रीय घरेलू धारणा है क्योंकि इसके अंदर की बात करता है, ये राष्ट्रीय धारणा है अंदर से साथ साथ, अंदर के साथ साथ बाहर की भी बात करता है, और ये क्षेत्र क्या है इसका, संकुचित है क्योंकि एक ही अंदर की बात करता है, इसका क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि अंदर के साथ साथ बाहर की भी बात करता है, हालांकि इन दोनों पॉइंटों में बहुत हद तक सिमिलरिटीज है। तो ये था जीडीपी और जीएनपी का अंतर, हमको लगता है कि आप लोग का काम हो गया होगा, समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।